अब लगता है कि वो मान के चल रहे हैं कि अकेले ही शक्तिशाली हैं। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस से अब आना पड़ेगा। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बीते दिन तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 16 सालों के कामकाज का पूरा ब्यौरा सामने रख दिया। आपको बता दें कि कल का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफी अहम हो जाता है। तेजस्वी यादव ने संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर एक प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया था और इस सम्मेलन को महागठबंधन की तरफ से आयोजित किया गया था, ऐसा तेजस्वी यादव और आरजेडी का कहना है। लेकिन महागठबंधन में शामिल कांग्रेस जो है इस सम्मेलन से लगातार किनारा होते हुए दिखी। इस सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया था। आपको बता दें कि वाम दल के नेता भी सम्मेलन में मौजूद थे, वहीं लालू प्रसाद यादव भी वर्चुअली इस सम्मेलन में जुड़े, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। अब महागठबंधन के बीच भी कहीं ना कहीं दरार आती हुई साफ तौर पर दिख रही है। आपको इसके बाद बता दें कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने भी अब इसको लेकर के बयान दिया। अजीत शर्मा ने ये कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी किया वो उन्होंने सही नहीं किया। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। आज तो आपने देखा है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो होर्डिंग्स लगाए पटने में, उसमें कहीं आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय राहुल गांधी का फोटो नहीं है, पोस्टर्स में नहीं है। जब हम लोगों ने अगला विधानसभा चुनाव लड़ा, जो भी जीते, चाहे राजद जीते, कांग्रेस जीते, माले जीता, CPI, सब लोग मिलजुल के सबके वोटर्स ने वोट करा। और आज जो आप अभी क्या कर रहे हैं, नीतीश जी का 1.5 साल का आप कार्ड पेश करने जा रहे हैं, उसमें आप कांग्रेस को आमंत्रित तक नहीं किए, कहीं हमारे आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल जी का फोटो नहीं लगाए। इसलिए अब लगता है कि वो मान के चल रहे हैं कि अकेले ही शक्तिशाली हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं है पूरे देश में कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेगी और 2024 में हटाने का काम करेगी। आप सेकुलर हैं लेकिन आप सिर्फ अपनी बात सोच रहे हैं, बिहार की बात सोच रहे हैं, न कि पूरे देश की बात सोचनी होगी। अगर आपको देश को बचाना है, जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी का प्रकाष्ठा हो गया है, आप सब चीज PSUs जो कांग्रेस ने बनाया आजादी के बाद से, वो आप उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम कर रहे हैं। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस से आना पड़ेगा और जो आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। कांग्रेस को हाईकमान को, आला कमान को इसकी सूचना दे दी गई है, निर्णय का इंतजार है। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर। जी बिल्कुल, अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।